सर्दी के मौसम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में आने वाले सैलानी रोपवे के सहारे यहाँ की हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। विश्व शांति स्तूप तक जाने वाली यह रोपवे सिंगल सीटों वाली है, जिसके सहारे अकेले ही विश्व शांति स्तूप तक जाते हैं। बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस रोपवे पर छोटे बच्चों को बैठने की इजाजत नहीं है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके ठीक बगल में 8 सीटों वाली नई रोपवे का निर्माण कराया है, जिसका निर्माण कार्य जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने में इसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ सब आते हैं, ग्रुप में आते हैं, अगर ये एक अलग मजा है सिंगल का, और वो ग्रुप में बैठ के जाएंगे उसका एक अलग मजा रहेगा। तो अपना अपना सोच है अपना, वो लोगों को उसमें भी इंजॉय रहेगा, साथ में जाएंगे, क्योंकि बाहर कहीं भी ये सिंगल वाला कहीं है नहीं अभी। इस मैं तो बहुत जगह गया हूँ, सब जगह ग्रुप वाला ही है, मगर ये सिंगल वाले की खूबी पुरानी है। पहले तो हमको पता है, ऐसे 20-30 साल पहले तो सिर्फ चेयर थी, फिर साइड का कोर्ट बनाया, फिर आगे डंडा बनाया हिफाजत के लिए। और वहीं सैलानी अपने परिवार और बच्चों के साथ विश्व शांति स्तूप का दर्शन कर सकेंगे। हालांकि पिछले दिनों सीएम नीतीश ने इस रोपवे का निरीक्षण कर कार्य में लगे एजेंसी को इसे फरवरी माह के पहले सप्ताह से शुरू करने का निर्देश दिया है। इस रोपवे को पिछले 25 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति के आगमन के समय में शुरू होना था, मगर तकनीकी बदलाव के कारण इसमें एक वर्ष और लग गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नए रोपवे के चालू होने के बाद भी इस पुराने रोपवे को नहीं हटाया जाएगा और धरोहर के रूप में रखने की बिहार पर्यटन की मंशा है। तो ये जो मार्च से जब से कोरोना के कारण सब बंद हुआ, राजगीर का रौनक खत्म हो गया था और लोगों को भी कहीं ऐसा प्लेस नहीं मिल रहा था जहां वो जा सके। अभी इधर कुछ दिनों से जब से ये रोपवे शुरू हुआ है, एक रौनक यहां पर लौटी है। और अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक स्वप्न स्वरूप है ये जो 8 सीटर रोपवे है जो वो बनवा रहे हैं। इसके बाद इस शहर की रौनक, इस राजगीर की रौनक, इस शांति स्तूप की रौनक और बढ़ेगी और लोगों का यहाँ आना शुरू। नालंदा ब्यूरो के साथ आरोही सिंह की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।